समिट स्टूडेंट प्रोडक्ट प्रोफेक्ट का एक बड़ा लेक्चर है जिसके अंदर हम इसकी मिनिमम फॉर्म और कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपने मैक्सिमम फॉर्म पढ़ी थी और आज मिनिमम फॉर्म है। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए और बी आपके पास के टू वेक्टर्स हैं। इफ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये इसी तरह वेक्टर था चिन्ह बनेगा, वेक्टर था चिन्ह बनेगा कॉस थीटा। अब हम यहां पे कर रहे हैं इफ अगर बिल्कुल या इफ अगर हम क्या करते हैं थीटा इक्वल टू देते हैं 90। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बात की थी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन ये जो इफ और देन है ये आपके पास मेरे कंप्यूटर की स्टेटमेंट है, लेकिन जब आप एक मैथमेटिकल ट्राई करिए आपके आपने एक बड़ा एक अच्छा इंस्ट्रक्टर है आप इफ देन देन ये तीनों चीजों को इस्तेमाल करें और आप अपने क्वेश्चन को एक इक्वेशन के उत्तर बना सकते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। उसी तरह आप ओरिजिन को यूज करेंगे वही हो जाए, हम जानते हैं क्या जानते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस सारे कॉस थीटा कॉस सॉरी 90 डिग्री का इक्वल टू 0 तो कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा 0 के। तो पुट इट दैट ए डॉट बी दैट इक्वल टू ए बी और कॉस 90 का आंसर 0 देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 दैट्स अ मिनिमम फॉर्म ऑफ एन वेक्टर प्रोडक्ट, या तो बस प्रोडक्ट की मिनिमम फॉर्म आएगी। नेक्स्ट इसके साथ हम बात करते हैं इसी वेक्टर फॉर्म की, तो इधर देखिए ग्राफिकल फॉर्म में हम दो वेक्टर्स डिराइव करेंगे। लेट ए दैट्स अ वेक्टर, बी इज आल्सो अ वेक्टर, राइट अ ग्राफिकल फॉर्म। तो ये बड़े ग्राफिकल फॉर्म आप देखें ये वेक्टर ए है और ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर का कॉन्ट्रास्ट दे रहा हूं दैट्स अ वेक्टर बी दैट्स अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन देयर, और इन दोनों के अंदर आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। तो हम यहां पे कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के हाथ से क्या लगा परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास इसका एक ग्राफिकल क्राइटेरिया था। थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, लेट ए एंड बी आर वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर है, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा आपके पास इसका स्ट्रक्चर का जो फॉर्मुलाइजेशन था इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर आपने थीटा 90 पुट किया देन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 हमने पुट की इक्वेशन में बैठे। वी नो दैट हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैनचेस्टर अलजेब्रा तो आपके पास थीटा इक्वल टू 90 थीटा इक्वल टू 90 कॉस 90 इक्वल टू 0 सो ए बी इज इक्वल टू 0 दैट्स अ मिनिमम फॉर्म। फिर मैं ग्राफिकल फॉर्म की तरफ आता हूं लाइक ए एंड बी बहुत सारा वेक्टर एक वैसे आपके यहाँ पे मैं इसके नाम निश्चित नहीं कर सका, देखने यहाँ पे इसके नाम निश्चित करते हम ए और ये आपके पास क्या है बी, ये तो वेक्टर्स हैं जो कि आप एक दूसरे पे 90 डिग्री के ऊपर सच्चे हैं एंड दैट इज आवर परपेंडिकुलर फॉर्म एट विच डॉट प्रोडक्ट इज आवर मिनिमम। तो ये बेटे आपके पास इसकी एक नेगेटिव फॉर्म थी। तो सबसे पहले आप एक संधि आपको दे रहा हूं, नंबर वन आपके पास संधि की डेफिनेशन थी स्केलर प्रोडक्ट की स्केलर प्रोडक्ट, नंबर टू इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी, नंबर थ्री में भी आपके पास इसकी एग्जाम्पल थी, नंबर फोर में भी आपके पास इसकी मैक्सिमम फॉर्म थी और नंबर फाइव में भी आपके पास इसकी मिनिमम फॉर्म थी। तो ये पांच स्टेप में आपके पास जो क्वेश्चन अपने कंप्लीशन को जा रहा है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने रिकॉर्ड करवाएंगे आपको और आप इसको देखेंगे। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन स्केलर प्रोडक्ट, अभी तक आपके पास ये क्वेश्चन की चार चीजें जो है हमने पूरी कर दी है। तो इसकी जो असाइनमेंट और इसके रिकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होंगे या कुछ न्यूमेरिकल है वो आपको असाइनमेंट के तौर पर हमारे पेज के ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट देखिए।